इम्प्रूव कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी में कमी नस्लों से चली आ रही है। असल में सोचने की बात यह है कि खुद एतमादी में कमी आती कैसे है। क्या जिन लोगों में एतमाद की कमी होती है वो खुद एतमादी कमी के साथ पैदा होते हैं? ये बिल्कुल सच है। कुछ बच्चे विरासत में ये मसाइल अपने साथ लेकर आते हैं और कुछ बच्चे बाद में इस मसाइल का शिकार हो सकते हैं। और इसके अलावा जो वालिदैन खुद एतमादी की कमी का शिकार होते हैं, उनके बच्चे भी खुद एतमादी की कमी का शिकार होते हैं। ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे तब तक इसी तरह के मसाइल का शिकार रहेंगे। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है और बेशुमार खूबियों से नवाजा भी है। फिर क्यों हम इन तमाम खूबियों को भूलकर चंद खामियों पर हमेशा नजर रखते हैं? जो चीज ज्यादा है वो क्यों हमें नजर नहीं आती? यही वजह है कि हम हर किसी को हमेशा बचपन से बुरा भला कहकर उसको एहसास कमतरी में मुब्तिला कर देते हैं। सबसे पहले ये चीजें घर से शुरू होती हैं। वालदैन खुद एहसास कमतरी में मुब्तिला होते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चों को भी एहसास कमतरी में मुब्तिला कर देते हैं और उनकी शख्सियत तबाह बर्बाद कर देते हैं। खुद एतमादी का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप हर काम बखूबी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, अगर किसी मुश्किल मसले का सामना हो तो आप ये जानते हैं कि मेहनत और कोशिश करके इस पर काबू पाया जा सकता है। खुद एतमादी दरअसल मुख्तलिफ शोबों में आपकी सलाहियतों और काबिलियतों को अंदाजा लगाने का मौसर पैमाना है। जिस शोबे की मालूमात बेहतर होगी उसमें आपकी खुद एतमादी भी ज्यादा होगी। इसलिए जब आप किसी शोबे में नाकाम होते हैं तो ये इस बात का सबूत होता है कि उस शोबे में आपकी मालूमात काफी नहीं है। खुद एतमादी को कामयाबी की कुंजी कहा जाता है, क्योंकि इससे जिंदगी के मसाइल का सामना मुश्किल नहीं रहता। खुद एतमादी की कमी खवातीन के तमाम खूबियों और काबिलियत पर पानी फेर देती है। खवातीन का शर्मीलापन, नाकामी का खौफ और एहसास कमतरी उनकी तरक्की की राह में भी रुकावट बनता है। एक खुद एतमादी से सरशार शख्स जिंदगी की मुश्किलात पर काबू पाकर कामयाबी हासिल कर सकता है। अगर एक शख्स अपने आप पर एतमाद नहीं रखता तो वो अपनी सलाहियतों के बारे में शको शुबा का शिकार होगा। उसे इस बात पर एतमाद नहीं होगा कि मेरी कामयाबी यकीनी है तो वो उसकी जद्दोजहद जाया हो जाएगी। आपने कई ऐसे शख्स देखे होंगे जो ये कहते हैं, अगर मुझ में फला काबिलियत होती तो मैं दुनिया को हैरान कर देता। हकीकत यह है कि ऐसे लोगों में काबिलियत की कमी नहीं होती, बल्कि खुद एतमादी की कमी होती है। सलाहियत उनके अंदर मौजूद होती है, लेकिन वो अपनी खुद एतमादी में कमी की वजह से उस जौहर को उभारने का मौका नहीं देते, नतीजतन नाकाम रहते हैं। माहिरीन के नज़दीक औसत जहन के हामिल लड़कों और लड़कियों में हिंसों के दाव पेच को समझने की सलाहियत यकसां होती है। ताहम लड़कियां एतमाद की कमी की वजह से इस शोबे में पीछे रह जाती हैं। माहिरीन की टीम ने माजी में इस जमन में की गई तहकीकात को भी गलत करार दिया, जिनकी रूह से लड़कियां साइंस के मजामीन और रियाजी वगैरह में दिलचस्पी की कमी की वजह से नाकाम रहती हैं। एक नामवर प्रोफेसर के मुताबिक लड़कियों को ये एतमाद नहीं होता कि उनका हल किया हुआ सवाल सही भी हो सकता है। यही वजह है कि पर्चा बेदिली से हल करती हैं और ज्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाती। इसके बरक्स लड़कों को अपने अंदर की सलाहियतों पर पूरा एतमाद होता है, इसलिए वो बेखौफ होकर अपनी तमाम तर जहनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए सवालात हल करते हैं। माओ का कहना था कि वो अपने बच्चों को रियाजी की मश्क हल करवाते हुए परेशान रहती हैं। माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वालिदैन लड़कियों को बताएं कि अगर वो पूरी तवज्जो के साथ अपनी तालीम और निसाबी कुतुब पर तवज्जो दें तो किसी भी मजबूर में पीछे रहना मुमकिन नहीं। अपनी बुरी आदत को बदलना जरा मुश्किल होता है, इसलिए इब्तिदा में सिर्फ एक आदत पर काबू पालें, फिर मजीद हौसला और खुद एतमादी पैदा होगी और जिसकी मदद से आप दीगर बुरी आदत और मनफी बातों से दूर होते जाएंगे। किसी से बात करते वक्त उसकी आंखों में नजर रखें, आई कॉन्टेक्ट और माहौल के मुताबिक कदरे ऊंची आवाज में बात करें, यानी सुनने वालों को आपकी आवाज और बात वाज़े तौर पर समझ में आनी चाहिए। अपने मकसद को मदे नजर रखें और उन्हें मुख्तसर वक्त और आसान टारगेट से शुरू कर दें। एक मकसद के हुसूल और कामयाबी से आप में हौसला और खुद एतमादी पैदा होगी। सोशल और समाजी ताल्लुकात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और माशरे में एक समाजी रुकन के तौर पर काम करने से खुद एतमादी और दिली सुकून हासिल होता है। इसलिए समाजी ताल्लुकात बढ़ाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। इसके अलावा नफ्सियात का भी खुद एतमादी पर बड़ा अमल दखल है। अपने आप को नफ्सियाती और एसाबी तौर पर मुस्तहकम रखें। अगर माहिर नफ्सियात कहते हैं, खुद एतमादी जिंदगी के मजमूई तजुर्बात का नतीजा होती है। मसलन तजुर्बात जहां हमारे एतमाद को पुख्ता करते हैं, वहीं मनफी तजुर्बात हमें नाकामी से दोचार कराते हैं, हमारे अंदर खुद एतमादी खत्म कर देते हैं। हमारे एतमाद का पारा थर्मामीटर के पारे की तरह घटता और बढ़ता रहता है। कभी हम एतमाद के इंतहा से दोचार होते हैं तो कभी हम बेएतमादी की गहराइयों में डूब जाते हैं। नींद ना आना, तनख्वाह में इजाफा ना होना, खत का जवाब मौसूल ना होना या दोस्तों की बेइत्तेफाकी हमारे एतमाद को वक्ती तौर पर मजरूह कर देती है। हकीकत तो यह है कि
कि हम बहुत कुछ करने की अहलियत से मालामाल हैं, यहाँ तक के खुद एतमाद का झूठा एहसास भी पैदा करने के अहल हैं। इंसान को दूसरी मखलूकात से जो बात मुमताज करती है वो है उसकी सलाहियत कि वो खुद को एक अलहदा वजूद के तौर पर तसव्वुर कर सकता है और उससे खुद कलामी भी कर सकता है।